मौसम को लेकर मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। देश के 19 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। ओडिशा के 30 जिलों में बाढ़ की है संभावना। देश में मौसमी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जो है आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केवल पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर बहुत भारी बारिश की संभावना आज व्यक्त की गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में कल जो है दूसरा के भाई यमुना नदी बह गए। वहीं फिरोजाबाद जिले में के वो रहने वाले यहां पर थे। वहीं मौसम विभाग ने जो है ओडिशा के सभी जिलों में जो है आज तेज बारिश की बात कही है। 20 तारीख तक यहां पर तेज बारिश की संभावना है। वहीं 30 जिलों में बाढ़ का अनुमान जताया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के डीएम को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। वहीं कल भी जो है ओडिशा के 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट था। वहीं राज्य की सरकार ने जो है मछुआरों को कहा है कि वे 20 तारीख तक जो है समुद्र से दूर रहे, मछली पकड़ने नहीं जाए। वही हिमाचल के शिमला में के रामपुर में भी जो है कल रात फिर से जो है बादल फटा, जिसके कारण रामपुर रेहड़ू सड़क पर बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ। वही राज्य में नेशनल हाईवे समेत 132 सड़कें बंद है। वही सेब के बागानों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। बाकी सभी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और बिहार, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में चेतावनी दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की यहां पर घटना से अभी 32 लोगों की मौत हुई है। 31 जुलाई की रात कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटा था। इसके कारण कई जिलों में 56,000 लोग बह गए थे। वहीं कर्नाटक में भी जो है बारिश जुड़ी घटना, अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में अब तक बारिश की बात करें तो 4% ज्यादा बारिश हो चुकी है। देश के अंदर अब तक 722 एमएम बारिश हो चुकी है। अब तक 596 एमएम के आसपास बारिश होती है। कल की बात करें तो कल मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अब तक की बारिश की बात करें, सबसे ज्यादा बारिश हुई राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा 468 एमएम बारिश, यानी 50% ज्यादा बारिश राजस्थान में अब तक हो चुकी है। देश में एक नंबर पर राजस्थान चल रहा है, दूसरे नंबर पर रहा है एमपी, जहां पर 13% ज्यादा बारिश हो चुकी है और 23% महाराष्ट्र में भी ज्यादा हुई, 17% दिल्ली में ज्यादा बारिश हो चुकी है। कम बारिश वाले राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 28% कम बारिश, हिमाचल में 21% कम बारिश, उत्तराखंड में 3% कम बारिश, उत्तर प्रदेश में 10% आंकड़ा जो है बारिश का कम चल रहा है। वही एमपी में 13% ज्यादा हो चुकी है। बिहार में अब तक 25% कम बारिश हुई है। झारखंड में भी 13% जो है कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई। वहीं पंजाब में अब तक 34% कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। गुजरात में 5% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन अच्छी बारिश जो गुजरात में हम कह सकते हैं। तो देश के ज्यादातर राज्यों में जो इसी तरह की स्थितियां फिलहाल देखने को मिल रही है। अभी आगामी 24 घंटों के दौरान जो है देश के ज्यादातर राज्यों में जो है तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम, तो कुछ इलाकों में जो है बारिश जो है अत्यधिक भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। अब आपको राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों को विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि देश में कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों का मौसम, किस राज्य में कितनी बारिश होगी, कितना क्या कुछ होने वाला है। तो अपडेट में आपको यहाँ पर हम ये अपडेट बताए, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल पर आप नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें जो है इसी तरह की आपको मिलती रहे। सबसे पहले विस्तार पूर्वक मौसम समाचार एमपी के बताते हैं तो अनूपपुर, ग्वालियर, सीधी समेत 36 जिलों में झमाझम बारिश की बात कही गई है। दरअसल अगर आपको वीकेंड एंजॉय करना है तो आज बाहर घूमने जाने की प्लानिंग आप कर रहे हैं तो बारिश आपके प्लान पर पानी फेर सकती है। दरअसल मौसम विभाग ने आज एमपी के 36 जिलों में बारिश यानी झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनूपपुर जिले में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया गया है, अनूपपुर में जो है चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की ओर से। चेतावनी दी गई है अनूपपुर के ज्यादातर इलाकों में जो है तेज हवाओं के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही अनूपपुर में अति भारी बारिश को लेकर चेतावनी यहां पर दी गई है मौसम विभाग ने जो है अनूपपुर जिले में अति भारी बारिश को चेतावनी। बाकी 35 जिलों की बात करें तो नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सोयपुर और सिगरौली, सिरिवी और रीवा और महुगंज, सतना, अनूपपुर और शहडोल, उमरिया, डंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट समेत कई इलाकों में चेतावनी दी गई है। यहां जाता इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला आगामी 24 घंटों तक जारी रहने वाला है। बिहार की बात करें तो राखी के दिन भी जो है बिहार के कई इलाकों में बारिश से संबंधी घटनाएं देखने को मिल सकती है। बारिश को लेकर जो है वो चेतावनी दी गई है। जाता इलाकों में बिहार में इसी तरह का मौसम जो है आगामी 24 घंटों में रहेगा।
फिलहाल मौसम विभाग की ओर से बिहार के ज्यादातर इलाकों में जो है तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार में एक बार फिर से जो है मौसमी बदलाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर इलाकों में जो है बारिश संबंधी घटनाएं जो है होती रहेगी, बारिश जैसे यहाँ पर होने के आसार जताए गए हैं। तो ये मौसम की कुछ स्थितियां जो है वो देखने को मिल रही है। देश के ज्यादातर राज्यों में जो है इसी तरह की स्थितियां भी देखने को मिलेगी आगामी कुछ दिनों तक। इसी तरह की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो देश भर में जो है मौसम में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। ज्यादातर राज्यों में जो है मौसमी बदलाव के चलते जो है बारिश वगैरह जो है वो हो रही है। अभी आगामी 24 घंटों में बारिश का सिलसिला देश के ज्यादातर राज्यों में जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। राजस्थान की बात करें तो जमकर जो है राखी पर यहाँ पर पतंग उड़ेंगे। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर राहत वाली खबर जो है वो दे दी है। राजस्थान के अंदर दहशतवादियों के राजस्थान के कुछ इलाकों में लोगों को आपदा की बारिश से राहत मिली है। वहीं कुछ जगहों पर हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। इस दौरान लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने इसको लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो आगामी 4-5 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर थम सकता है। इस दौरान आसमान साफ रहने, धूप निकलने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर जो है वो चेतावनी यहाँ पर दी है और राजस्थान में जो है बारिश का एक दौर फिर से यहाँ पर शुरू होने के आसार जताए गए हैं। तो ये कुछ स्थितियां जो है राजस्थान के अंदर मौसम की देखने को मिल रही है। आगामी 24 घंटों में जो है राजस्थान के अंदर जो है मतलब मौसम संबंधी घटनाएं जो है वो देखिए आसार जताए गए हैं। मौसम संबंधी जो है वो स्थिति देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो राजस्थान के मौसम को लेकर फिलहाल ये चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि ज्यादातर इलाकों में जो है आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अंदर बारिश का दौर जारी रहेगा। तो राजस्थान के अंदर जो है फिलहाल मौसमी जो घटनाएं जो है देखने को मिल रही है। ज्यादातर इलाकों में जो है बारिश वगैरह होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया जाता है। इलाकों में जो तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला आगामी 24 घंटों तक जारी रहने का पूर्वानुमान है। वैसे वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि राजस्थान के मौसम से जुड़ी जानकारी रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। देश भर के मौसम समाचार आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहे।